ग्राउंड फ्लोर। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल। तो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल नहीं है, नॉर्मल वीडियो है, इतना खास नहीं है। सिर्फ कुछ बातें हैं, थोड़ा गपशप मपशप है और फेस कैम के साथ है, रिफ्लेक्सेस भी थोड़े लगे एक दो। और बात कुछ यूँ है कि भाई खुदा का नाम मानो, टीम अप ना करो प्लीज़। वो बंदे को मैं बोल रहा हूँ कि भाई बस कर दो, इतना टीम अप होता है, इतना होता है। वो बंदा मेरे पीछे यार कहता है नहीं बैन होने दो। मैंने कहा वाह क्या बात है यार, क्या क्या अक्ल है इस बंदे की। कहते बैन होने दो। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाख का अकाउंट, दो नहीं बल्कि 1.5 लाख का अकाउंट एक तो वो, चलो खैर है पैसे साइड पे करो, ठीक है फैंस के लिए पैसे साइड पे कर दो। फिर उसके बाद वो जो कुत्ते भौंकते हैं उनका कौन जिम्मेदार होगा? आप लोग तो फिर रीज़न पूछते हो कि रीज़न क्या क्या है क्या क्या है क्या है, यही कहते हो ना, यही होता है ठीक है। उस बंदे को मैं बोल रहा हूँ कि भाई टीम अप ना करो, अकाउंट बैन होते तो आगे से भाई अगले फेंक ही रहा था, क्या कह सकते हैं। कोई नहीं, सत के कुर्बान, उसके लिए भी दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन यार वो अल्लाह कुरान की कसम बैन से बड़ा डर लगता है। ग्लीच करने से भी बैन पड़ता है, वो जो दीवार के अंदर घुसते नहीं हो, अब भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है ठीक है, उससे भी बैन पड़ता है, टीम अप से भी बैन पड़ता है। आपके आईडिया अगर एट से सेम टाइम आईपी एड्रेस बार बार चेंज होते उससे भी बैन पड़ता है। चार तो ये चीज़ें आम हैं जिनसे बैन पड़ता है, ये चार चीज़ें आम हैं ठीक है। और बाकी इस वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, बल्कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन भी दबा देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। बूट गेम बाजू बिग फैन, हम लोग सीरियसली ज़्यादातर बूट गेम जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि आ जाओ पैनान चलते हैं, पैनान चलते हैं। अच्छा जो ऑल पे गालियाँ देते हैं ना, तो मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं बंदा हुआ हूँ इज्जत की थ्रू ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं हर बंदे की इज्जत करता हूँ, बेशक हेटर्स हो कोई भी हो, लेकिन एक लिमिट होती है, वो क्रॉस जब होगी ना तो अल्लाह देखा जाएगा इंशाल्लाह, टाइम आने दो। हाँ, ये बाद में सर की कुर्बानी। मुझे यहाँ पे गन मिली और ये लोग हवा में ही थे, उनको लगी, जब हमने मीटअप किया तो कहते हो भाई ये तो हैकर है। मैंने कहा सही है भाई ठीक, आपको हवा में मारो, आपको ऐसे मारो ना आप लोग आगे वाले को डायरेक्ट। पाकिस्तानियों का हाल यही है ठीक है, जब कोई बंदा मारता है आगे वाला डायरेक्ट यार हैकर था, हैकर था, ये नहीं देखते कि भाई पहले प्रूफ तो कर लो, एक बंदे को मार के बस हैकर, क्या बात है। सही है, यहाँ पे वली को नॉक करता है और उसके बाद मैं जंप मार, मुझे नहीं पता होता कि टीम अप कर रहा होता है। अब इनके टीम अप का स्टाइल देखना, पर कर लिया, बात कर ली, दिल से खुशी हुई मुझे भी आपको भी, मतलब आधा घंटा मैं इधर ही बैठा रहा उसके बावजूद भी इनके काम चेक करो। अच्छा ये इसने नॉक किया ठीक है राइट से, वली को नहीं पता था ये मैंने नॉक किया। अब वो दूसरा बंदा ये देखो मार रहा होता, मैंने इसको भी नॉक कर दिया ठीक है। एक अदीरा अभी बुला रहा होता। हेलो हेलो किसी बात की भी समझ नहीं आएगी, जो पठान होंगे शायद उनको समझ आएगी। वली ने यही बोला कि यार टीम अप ना कर, जब अकाउंट बैन होगा तो फिर बाद में फिर तेरे लिए प्रॉब्लम होगी, ना कर टीम अप। वली बहुत सीरियस है इस टाइम, और बैन होने के बाद यही टीम अप और ग्लिचेज प्लस यही ये इशू है ब्रदर, बेशक आप जो भी कहो। और हैक का तो मेरे साथ कोई हिसाब नहीं है, एक अल्लाह जानता है और एक मैं जानता हूँ, कल माता पढ़ चुका हूँ इस बात पे कि हैक का मेरे थ्रू कोई हिसाब नहीं है, दूर दूर तो कोई रिश्ता नहीं ठीक है। कहता टिकटॉक पे अपलोड करना मेरे गाने उस बीच में लाना, यो गाना तो खा चीज तो हो गया उसमें का जो दिल में आता वो गाना गा रहा है बीबी शीरिन गाने तो हां ए रोको रोको बेदर का आवाज रे शीरिन दर तो वा वा लाका मो सुकान मो हेलो बीबी शीरिन दर तो हां है जो मैंने कहा दिल में आती है वो बोल के वे ककरारा
मैं तो गाना सुनाने के लिए बीबी शिरी ने वो बीबी शी जा 1 2 3 जा बीबी शी मत मना करनी एडवा पूरे वो जा 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 बीबी शिरी जाड़ी गोली रामा दीवा दलान रे बुई बीबी शिरी मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं गन लेके डायरेक्ट घुस गया था। अच्छा अब देखो मैं इनसे मतलब पूरी डिस्कशन होने के बाद मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, बाय बाय लाफेस, फिर पीछे आ गए। यहाँ पे सही बात करने के बाद फिर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा था अगेन, फिर पीछे आ गया। पूरी गेम तो इधर ही टीम अप में गुजर गई, कंटेंट कौन बनाएगा खुदा की कसम। टोटल मेरे पास टाइम फिर वहाँ पे अगेन बताने के बाद फिर रो रहा ये रो क्या बोलूं। रंजे हट मेरे साथ, रंजे मेरे साथ मम्मी सुटा तक बोट अगेन जैसे दालमास रखवान तू खाली रहता क्या बोलूं। अब वहाँ पे सामने टीम है, ये लोग टीम अप करके बैठे हुए हैं। यार अकाउंट बैन नहीं होगा तो क्या होगा, ये वो क्या नहीं बैन होता भाई, हमें पता है ना, हमें बर्जी वालों ने खुद बोला है, खुद मुंह पे बोला है ऐसे मुंह पे कि भाई आपका अकाउंट हम बैन करेंगे अगर हमें ऐसा कुछ नज़र आया सीन। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह टीम अप से जान छूटी और ये मैं बाहर आया वहाँ से, और अभी यहाँ पे एक बंदा बिल्कुल कैंप करके बैठा है, इवन कि ये देखो मुँह पे आ गया। अब मुझे सर्कल वहाँ पे चला गया तो मैंने मुँह मोड़ लिया, मैंने कहा सर्कल वहाँ पे बन रहा है चलो सर्कल चलते हैं, अब इसके काम चलते हैं। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स खा लिया है लड़के ने टिकटॉक के लिए। रंजा जिंदाबाद, रंजा कहता है टिकटॉक ने बोल यार गर्मी। अच्छा तो ये मरने के बाद हम लोग घुसते हैं, हमने कहा चलो भाई पकड़ते हैं। अब मैं उसे पूछ रहा था कि मैंने कहा ब्रो कैसा लगा मेरा रिफ्लेक्स वहाँ पे आगे से ये नॉक और वो उधर होते हैं। फिनिश कैमरा क्या हो गया कैमरे को मुझे समझ नहीं आ रही यार। मेरे पास अब यहाँ से वो जो टीम अप वाले थे वो भी आते हैं और वो भी आते हैं। अच्छा अब लास्ट में भी देखना क्या सीन बनता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। लास्ट में भी टीम अप अगेन, कमाल है सर यार, एक बार बंदा टीम अप कर लेता है बस ठीक है। अभी यहाँ पे एक गाड़ी की हो जुलम जुलम एक मेरे यार गर्मी ने तबाह कर दिया, बट फेस कैम तो करना लाजमी बोला जो है। अब समझ नहीं आ रही थी कहाँ से पड़ रही हैं, बस आई हैं फायर करा जा रहा हूँ करी जा रहा हूँ। नेट गया, नेट गया मेरा। एक तो हमारे स्पिन्स क्लैन वालों का नेट, दुबई वाला बंदा ले आओ ना उसका भी नेट चला जाता जब स्पिन्स वाला नाम सामने रख दो, पता नहीं क्या इशू है। मैं निकलता हूँ सर्कल और ये वली को भी पड़ जाती है नॉक, रंजा भी नॉक। जाओ जाओ मेरा नेट गया, क्या उसने नेट किया ऑफलाइन है। अच्छा यहाँ पे सर्कल में आने के बाद मैं लेट गया, मैं हील कर रहा था और अचानक फिर कर लो बस जिसने उसको मारा मैंने उसको थोड़ा सस्ता वाला रिफ्लेक्स दे के मार दिया और अब आगे मैं उस तरफ जाता हूँ।
वली भाई ए रावत का जमाना ये लोग गए ये लो लो लूट ली ब्रो अब एक अल्लाह को पता है ऑल पे कौन मुझे हैकर बोल रहा था ये भी पता नहीं है वली बोल रहा था जो मरा हुआ है कहता है यार ऑल पे तुझे हैकर बोल रहे हैं वही पठान मैंने कहा सीरियसली वही जिन्होंने टीम अप किया उधर से ही पीक जब आप मुझे जानते ही नहीं है तो आप मेरे किस चीज़ के फैन हैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने को सही है भाई ऑल पे कदीर 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 हो रही है कदीर कदीर हो रही है ये लेट नाइट मेरे पास सनहॉक का कंटेंट बनाने के लिए होता है पूरा दिन मैं क्लासिक कह रहा है जब कंपटीटिव प्लेयर खेले क्लासिक आज भी होते राइट पे स्मोक बनाना पर राइट पे भी बंदे थे उसको ऐसे लल्लू बनाओ कि भाई मैं जा रहा हूँ उन्होंने लेफ्ट से स्प्रे मारा हेड लगा हेड लेकिन मरा नहीं एक ही गोली लगी उसको अब यहाँ पे मैंने इस पे एम रखा हुआ है अचानक नीचे से फायर आता है मैं डायरेक्ट नीचे गई सर अब इस बंदे पे मेरा बिल्कुल मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो ठीक है तो नीचे उतरा और लेफ्ट राइट ये क्राउच उठो क्राउच फिर थोड़ा लेफ्ट राइट अब यहाँ पे सामने बंदा मैं जून के अंदर था वो जून के बाहर था लाजमी बात और ये मेरा टट्टी स्प्रे एक गोली भी नहीं लगी ये देखो अब मुझे लगा नीचे ही दो बंदे हैं ये वहाँ से जाके उसके पास लगे लेकिन ये यहीं पे था मैंने कहा सही है एक भाई कमाल है अब यह मैंने ट्राई किया नेट का मैंने कहा नेट से नॉक करते हैं बट नेट से किधर नॉक हो रहा था नेट पता नहीं क्यों वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा था इवन के क्लोज था बहुत लगा उसको मैंने कहा अब चलो अब ये नेट भी 300 नहीं पहुंचता कि नेट क्यों नहीं फिनिश बाय बाय दो मिनट तक आता करीब भाई याद है वदी अच्छा इनको मैंने बोला था सिर्फ दो मिनट के आज और टीडीएम उसके बाद जाते हैं अपना टीडीएम खेलते हैं इनको मैंने पूरा मैच खिलवाया कैसा ही है भाई अच्छा तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है बाकी सद के गुरबान इंशाल्लाह डेली वीडियोस का सीन स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी अभी पेपर हो रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो रहा है पेपर ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह डेली करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखना अगर कोई दिल आजारी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी बाकी सब के कुर्बान थैंक यू